नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में रातों रात हुआ सत्ता का उलटफेर, फडणवीस ने ली सीएम पद की शपथ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा को लेकर किया खुलासा, पूर्व राष्ट्रपति पर लगाया साजिश का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक पर साधा निशाना, कहा आतंकवाद का उद्योग, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई चरम पर। और राजस्थान के नागौर में हुआ दर्दनाक हादसा, 13 लोगों की मौत और दर्जनों घायल। महाराष्ट्र की सियासत शनिवार सुबह कुछ ऐसी बदली कि जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। बीजेपी ने रातों रात बाजी पलटते हुए एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और शिवसेना को इस गठबंधन की खबर तक नहीं लगी। देवेंद्र फडणवीस ने आज सुबह राजभवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी के अजीत पवार को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। राज्यपाल ने फडणवीस सरकार को 30 नवंबर तक बहुमत साबित करने का समय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बधाई दी। महाभियोग की सुनवाई का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा को लेकर शुक्रवार को एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर साजिश करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओबामा ने वर्ष 2016 में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान उनके अभियान की जासूसी कराई थी। उन्होंने कहा कि आधुनिक कॉल के फोन टैपिंग के जो भी संस्करण हो, लेकिन ओबामा प्रशासन में मेरे खिलाफ साजिश उच्च स्तर पर हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का उद्योग बन गया है, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से मजबूत किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख इतनी बड़ी है कि कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। राजनाथ शुक्रवार शाम लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुरेश तिवारी की जीत के बाद आयोजित कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। देश में आर्थिक मंदी और धीमी विकास दर के आरोपों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि 2024 तक भारत 50 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। राजस्थान के नागौर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां कुचामन शहर में सुबह 3 बजे दो मिनी बसें अनियंत्रित होकर एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से 13 यात्रियों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस के सामने सांड आ गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें प्रशासन ने जयपुर स्थानांतरित कर दिया है। बस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि रात के समय सड़क खाली होने के कारण बस तेज गति में थी। इसी दौरान बीच सड़क पर सांड आ गया, जिसमें ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। झारखंड के लातेहार में शुक्रवार रात एक नक्सली हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और एक घायल पुलिसकर्मी ने भी दम तोड़ दिया है। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे हथियारबंद नक्सलियों ने पुलिस पार्टी के वाहन पर हमला कर दिया। जिस वक्त हमला हुआ, तब चंदवा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पुलिसकर्मी आधिकारिक वाहन से जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने अचानक से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले के लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मारे गए पुलिसकर्मियों में एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, शहीद हुए पुलिसकर्मियों में एक एसआई और 3 जवान शामिल हैं। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विवादित भूमि हिंदू पक्षकारों को मिलने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में बाबरी मस्जिद का नाम हटाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड की 26 नवंबर को होने वाली बैठक में नाम हटाने पर मुहर लगने की संभावना है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेज रजिस्टर दफा 37 में 1,23,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। सर्वे वक्फ कमिश्नर विभाग ने 75 साल पहले वर्ष 1944 में सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में बाबरी मस्जिद को दर्ज कराया था। यह वक्फ नंबर 26 पर बाबरी मस्जिद अयोध्या जिला फैजाबाद नाम से दर्ज है। आतंक का समर्थन और आतंकियों की मदद करने वालों की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक सूची तैयार की है। 20 नामों वाली इस सूची में 7 से 8 जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्करों के अलावा अलगाववादी शामिल हैं।
टेरर फंडिंग से लेकर आतंकियों को हथियारों तक की सप्लाई करने वाले इसमें शामिल हैं। 3 से 4 लोग जम्मू संभाग के हैं, बाकी सब कश्मीर से हैं। एनआईए ने अब तक टेरर फंडिंग, आतंकियों से लिंक, उनका समर्थन करने, हथियारों की सप्लाई करने में यासिन मलिक, इंजीनियर रशीद, आसिया अंद्रावी, शब्बीर शाह सहित 25 अलगाववादियों, पूर्व आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्करों को पकड़कर इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान में महंगाई के ताजा हालात पिछली सरकारों की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से हैं। नकदी संकट से जूझ रहा देश जल्द ही इस समस्या से उबर जाएगा। पंजाब प्रांत में अपने गृहनगर मियांवाली में खान ने कहा कि उनकी सरकार को कम विदेशी मुद्रा भंडार, वित्तीय और चालू खाता घाटा सहित तमाम आर्थिक समस्याएं विरासत में मिली हैं। उन्होंने कहा, अगस्त 2018 में जब तहरीके इंसाफ की सरकार सत्ता में आई तब पाक की अर्थव्यवस्था खराब हालत में थी। खान ने कहा कि इसी वजह से पाकिस्तानी रुपए का डॉलर के मुकाबले 35% अवमूल्यन हुआ और महंगाई बढ़ी। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में शानदार लगातार प्रदर्शन जारी रखते हुए भारतीय स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने 2 बार के पूर्व कॉमनवेल्थ चैंपियन को मात दी। पूर्व कॉमनवेल्थ सुपर मिडिलवेट चैंपियन घाना के चार्ल्स एडमू को मात देकर लगातार 12वीं जीत दर्ज की और अपना नॉकआउट सिलसिला बरकरार रखा। 34 वर्षीय विजेंद्र ने इस साल जुलाई में अमेरिका में पदार्पण करके माइक स्नाइडर को हराकर लगातार 11वीं जीत दर्ज की थी। वह 10 राउंड के मुकाबले में चार्ल्स से खेलेंगे, जो 47 मुकाबलों में से 33 जीत चुके हैं, जिसमें से 26 नॉकआउट हैं। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।